सुम्बुल ने कर दी है हद पार। जो चीजें उनके साथ शालिन के साथ नहीं देखना चाहते थे जनता, वही चीजें फिर दोबारा से करती हुई नजर आ रही है और उससे ज्यादा कुछ करती हुई नजर आ रही है। मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आया है सुम्बुल के ऊपर, शायद आप लोगों को भी आई अपडेट जानने के बाद। और शायद उनके सुम्बुल के फैंस जो है वो ये भी बात बोले, नहीं 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 ऐसा नहीं था भाई, जो भी चीज दिखती है मैं बोलती हूँ और सुम्बुल की अपडेट यहाँ पर आप तक हर एक चीज मैं पहुंचाती हूं, पर वो गलत करेगी इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसके बारे में बोलूंगी नहीं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो गाइस जैसे कि उनके पापा सुम्बुल के पापा समझा के गए और सलमान खान ने भी समझाया, सब लोगों ने भी समझाया, पर फिर भी जो है सुम्बुल बहुत ही ज्यादा क्लियर कट से ये बोलती हुई नजर आई कि ना तो उनके दिल में कोई फीलिंग है शालिन के लिए, पर फिर भी जो है ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त है। हालांकि टीना दत्ता ने जो है इस पूरे माहौल से जो है अपने आप को पीछे कर लिया, जो कि बहुत ही बढ़िया बात जो है टीना दत्ता ने की है। टीना दत्ता जो है अभी इन दोनों की जब भी बात होती है तब बीच में ना तो टांग फंसाती है, ना तो बात करती है और ना तो उस टॉपिक के बारे में पीछे बात करती है, जो कि बहुत ही अच्छी बात होगी क्योंकि यही कारण से जो है उनके बाहर जो है लोग काफी ज्यादा थू थू कर रहे थे। इसी बीच में जो है डाइनिंग टेबल पे टीना दत्ता और शालिन जो है अपना बाउल रख के और ब्रेड वगैरह कुछ खा रहे थे, जहां पर सुम्बुल बाजू में बैठती और सुम्बुल जो है शालिन की प्लेट से ले लेके खाना खा रही थी, यानी कि वो एक ही प्लेट में खाना खा रहे थे। तो ये चीज जो है मुझे बहुत ही ज्यादा गंदी लगी है। सुम्बुल को भी पता है भाई, टीना दत्ता को समझ में आ गया है कि क्या कारण है और उन्होंने उस चीज को सुधार लिया है, तो सुम्बुल को क्या समझ नहीं आएगा। उनके पापा आए सलमान खान ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में ये बात बोली, पर फिर भी शालिन को ये बात बोल दी कि हाँ मेरे दिल में कोई फीलिंग नहीं है, पर तुम एक ही प्लेट में खा रही हो, ये बात सुम्बुल अच्छी नहीं है, जहां पर तुम थी वहां पर ही तुम वापस आ गई हो, मुझे नहीं लगता है कि ये बात आपको भी अच्छी लगेगी, मुझे तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी है। सुम्बुल को अपनी गेम खेलनी चाहिए, फिर भी वो शालिन के पीछे पीछे है। अगर ऐसे ही रही सुम्बुल तो मुझे लगता है कि सुम्बुल के फैन खुद ही जो है उनको सपोर्ट करना छोड़ देंगे, क्योंकि कितना चांस दे किसी एक इंसान को, 18 साल की है, इतनी भी छोटी नहीं है। इसी के साथ मैं लेती हूं इजाजत, नमस्कार।